नमस्कार दोस्तों, चलिए आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज करते हैं, इसका यूज क्या है। जब भी देखिए आप एक्सेल में एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर कहीं पे टैक्स आता है लिखा या कहीं पे टैक्स का जिक्र है, उसका मतलब आप लिखित जो है, ठीक है, जो हम करेक्टर लिखित में लेते हैं, ठीक है, करेक्टर से संबंधित, मान लीजिए हमें कुछ भी लिखना है, जैसे हैव ए गुड डे, हाउ आर फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू, जो कुछ भी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया। अभी मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं ये लिख रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो ये देखिए जो मैंने लिखा, अभी मेरे इसके अंदर पांच वर्ड हो गए, ठीक है, टैक्स पांच। अब मैं थोड़ा एक कॉलम है जो इसको इसकी विड्थ में इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए ये एक कॉलम में आ गया हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करूँ यहाँ पे, ठीक है, जो टेक्स्ट टू कॉलम है उसके थ्रू मैं इसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, बांट सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ टेक्स्ट कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम हम दो प्रकार से यूज में लेते हैं, ठीक है। पहला है डेलिमिटेड, जैसे हम डेलिमिटेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो है डेलिमिटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इनका काम है कि आपने जो अपने वर्ड जो एक सेंटेंस लिखा है छोटा सा, इसमें से आप वर्ड को जो पर्टिकुलर वर्ड है इनको अलग अलग करना है, तो कहाँ से आप अलग करेंगे। अगर आपने कहीं पे सेमी कोलन लगा रखा है तो आप सेमी कोलन दे सकते हैं, कोमा लगा रखा है कोमा, या फिर देखिए एक नेचुरल सी बात है, आप इंग्लिश में कुछ भी टाइपिंग करेंगे या हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग करेंगे तो स्पेस एक नेसेसरी चीज़ है जो कि जरूरी चीज़ है, तो हम देते हैं हर वर्ड के बीच में। तो हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस है वहाँ से इन वर्डों को अलग कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्पेस। अगर अपने पास देखो जैसे ही आपने स्पेस डाला यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू अलग अलग हो गए, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस, आप ऐसी सिचुएशन है कि आप स्पेस नहीं डालना चाहते तो अलग कहाँ से करना चाहिए, यहाँ पे अदर पे टिक करके यहाँ पे आप उसका सिंबल दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फिनिश भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, और फिर फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पे जो आएगा टैक्स करना है, क्या करना है, आप जनरल है, जनरल में आपने वो कर दिया, ठीक है, तो फिनिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा इसी कॉलम में था, अब देखिए हर एक कॉलम में अलग से जो है ये टेक्स्ट जो था वो कॉलम में डिवाइडेड हो गया अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला जो हमारा है टॉपिक वो है रिमूव डुप्लीकेट। चलिए मैं इसमें एक और रहेगा हमारा वो बता देता हूँ कि डेलिमिटेड क्या है, मैं इसको एक बार फिर से वो कर देता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट टू कॉलम में दूसरा हमारे पास था फिक्स विड्थ, ठीक है, पहले था डेलिमिटेड, उसके बाद फिक्स विड्थ है। हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे एरो दिखाई दे रही है इन एरो को हम आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम एरो करेंगे वहीं से इसको डिवाइड कर देगा। देखिए चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, ओके, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश। देखिए यहाँ पे फिर से हो गया। तो ये डिफरेंस है डेलिमिटेड और फिक्स विड्थ टेक्स्ट टू कॉलम में, ठीक है। जो अगला हमारा है, मैं इसको जो टेक्स्ट है इसकी मैं कुछ कॉपियाँ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी ली और मैं इसको आगे भी अलग अलग कॉलम में लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास देखिए काफी सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसमें से मुझे वो वैल्यू छोड़नी है जो कि ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू मेरी, ठीक है, जो मैंने शुरू में लिखी थी। मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, सॉरी कंट्रोल ए, यानी मैं इसको कंप्लीट जो मैंने जो टेक्स है वो एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट किया मैंने इसको। अब मैं चाहता हूँ रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट वैल्यू मेरी वो रिमूव हो जाए, बाकी की जो है वैल्यू वो सेम की सेम रहे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं रिमूव डुप्लीट कर सॉरी डुप्लीकेट करता हूँ, वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, इन इन कॉलम में आपकी वो वैल्यू है वहां से आपको हटाना है, ठीक है, और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए जो आपकी डुप्लीकेट की ओरिजिनल वैल्यू थी, यहाँ से ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और इसके साथ ही जो हमने डुप्लीकेट की थी, ठीक है, वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक कॉलम में अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू लेते हैं वो रिमूव कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा
वैलिडेशन, उस डाटा वैलिडेशन को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज उसके लिए आपको जो मेरा अगला वीडियो वो देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।